टाइम बता दे। पुश करो ब्रो, तो थोड़ा सा क्लीन कर दिया करो। सबसे हेल्दी ऑप्शन जो होगा, दो कचौरी देना। अभी रेलवे गेट लग चुका है और वहां पे आ रही है गाड़ियां, और ये हम लोग सोच रहे हैं कि इसको क्रॉस करके निकल जाते हैं। निकल लेगी। चलो चलो चलो, पुश करो ब्रो। भाई वो भाई बस इसकी दिक्कत आ रही है, हटा दो पहले मेरी बात। भाई ये हटा दे, नंबर प्लेट नहीं, अब तो और नहीं पकड़ेंगे। चलो भाई, तो सो गाइस अभी एक्टिवा निकली नहीं है हमारी नीचे, और ये अंकल ने हेडफोन लगा रखे। गाइस जयपुर घाट है। So guys, we are in पुष्कर। देखो दो ए, guys, ये लोग मेरे को सुबह सुबह उठाया, बोले हम लोग घूमने जा रहे हैं, और मैंने पूछा कहाँ पे, तो बोले बस तू बैठ जा। और सीधा मैं आज जब मैंने आके बंद करी और जब मैंने आके खोली तो मैं पुष्कर में था। जहाँ पे मैं अभी आया हूँ उसका नाम है जयपुर घाट, और ये पुष्कर की वन ऑफ द फेमस घाट में से एक आती है। सो गाइज यहाँ पे ऊपर जाके मंदिर, बट मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगा बिकॉज मैं नहाके नहीं आया हूँ आज, और मेरे फ्रेंड्स भी नहाके नहीं आए, तो हम लोग नहीं जा पाएंगे अभी मंदिर। बाकी ये कौन सी घाट है ब्रो? गाइज ये जयपुर घाट है या पुष्कर घाट है, बस घाट है ये। सो गाइज ये अलग अलग घाट से, जैसे ये मतलब एक ही उसमें वो जयपुर घाट है, ये जोधपुर घाट है। गुड मॉर्निंग बोलना है। हाँ जी, गुड इवनिंग। लेवल सबके निकलेंगे। सो गाइज यहाँ पे स्नैप चल रही है। तो गाइज मैं मेरे दो फ्रेंड्स के साथ आया हूँ, मतलब मेरे दो दोस्तों के साथ मैं आया हूँ, और एक और तीसरा नहीं आ पाया बिकॉज वो सोने लग गया था, लेकिन फिर हमने उसको कॉल किया और अब वो हमारे साथ में है। गोलू रमेश हेलो बोल दे। गाइज इनको नहीं पता बिल्कुल भी कि मैं ब्लॉगिंग वगैरह करता हूँ, इन लोग को ये लग रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करता हूँ, क्या बताओ भाई। सो गाइज ये 200 करोड़ या 300 करोड़ साल पुराना पेड़ ये है ना ये। गाइज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं पीसफुली घर पे सो रहा था और इन लोगों ने मुझे कॉल किया और बोले कि चलो पीस दिखा के लाता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। मतलब पीसफुली कोई सो रहा है, उसके बाद वो उठेगा, अपनी नींद खोलेगा, नींद तोड़ के फिर वो यहाँ पे आएगा पीस देखने। और पीस देखो गाइज ये है, ये पानी। और गाइज ये देखो रास्ता, देखो कितना छोटा है जहाँ से हम लोग अभी जा रहे हैं। गाइज ये है पुष्कर का सुबह सुबह मार्केट, मॉर्निंग मार्केट। तो गाइज अभी हम लोग रुके हैं चाय भी ना। गाइज ये है पुष्कर का मार्केट, यहाँ पे अभी हम लोग घूम रहे हैं, आगे ब्रह्मा जी बस ऐसे ही, और आगे ब्रह्मा जी का मंदिर है गाइज, सामने देखो ब्रह्मा जी का मंदिर। और हम लोग अभी नहाए हुए नहीं है इसलिए हम लोग जा नहीं सकते। और तो और मैं कभी स्पेशली यहाँ पे आऊँगा ना, तो जब आप लोग को दिखाऊंगा पूरा ब्रह्मा टेम्पल कैसा है यहाँ पे अंदर का। अब गाइस हम लोग कहाँ जा रहे हैं हमको नहीं पता, और घर जाने का टाइम हो गया हमारा, लेकिन फिर भी हम लोग घूमे जा रहे हैं। घूमे जा रहे चल रहा है ना आने सागर ग्राउंड, वहाँ पे फुटबॉल का मैच है यार अपना। अभी आना सागर ग्राउंड जा रहे हैं हम लोग बिकॉज वहाँ पे फुटबॉल का मैच है। भाई गाड़ी चला चुपचाप, भाई गाड़ी चला चुपचाप। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं पुष्कर से अजमेर की तरफ, गाइज अभी मैं उस जगह पे आया हूँ जहाँ से पूरा अजमेर दिखता है,
और काफी सुंदर लगता है और काफी सुंदर लगता है गाइस यहाँ पे। और ये पूरा सीन है यहाँ पे इतना प्यारा गाइस, आना सागर है और पूरा अजमेर दिखता है यहाँ से। और गाइस बड़ी पीसफुल जगह है। एक चीज गलत लगा कि यहाँ पे कचरा बहुत है, तो मैं बस इतना ही आप लोगों को कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जब भी आओ आप तो थोड़ा सा क्लीन कर दिया करो, थोड़ा सा क्लीन कर दिया करो जगह को, बिकॉज ये हमारी जगह रहती है, हम ही घूमते हैं यहाँ पे, तो बस यही कहना चाहूंगा गाइस। गाइज अभी हम लोग यहाँ पर आए सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने, बट हम लोग अभी जिम जाते हैं तो हमारी डाइट चलती है, इसलिए हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं खाएंगे। और हम लोग अभी देखते हैं यहाँ पर सबसे हेल्दी ऑप्शन जो होगा हम लोग वो खा लेंगे। भैया दो कचौरी देना। ये वाली लस्सी पियेंगे गाइज हम लोग, बिकॉज हमने सुबह सुबह प्रोटीन मिस कर दिया। लुक एट द साइज गाइज, वाओ। पता नहीं ये लोग सारे रॉन्ग वे पे क्यों आ रहे हैं भाई। सो गाइज मैं जाकर आ गया था पुष्कर, और मैं काफ़ी दिनों बाद टू व्हीलर पे जाकर आया था पुष्कर वगैरह, मतलब ऐसी कई ट्रिप मैंने मारी थी वो भी टू व्हीलर पे, बिकॉज मैं स्कूल टाइम पे तो ऐसे जाते रहता था कहीं ना कहीं। और ये जो मेरे फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ में थे दो, जिनको नहीं पता कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर चुका हूँ, और मतलब मेरा व्लॉग चैनल भी है, बिकॉज मैंने उनको बताया नहीं है। 1000 सब्सक्राइबर समथिंग होंगे तब मैं उनको बता दूंगा, या फिर अगर उनको खुद से पता चला तो बात अलग है, तो तब मैं उनको बताऊंगा। उनको बस ये लग रहा था कि मतलब मैंने व्लॉग स्टार्ट अब मैं करूंगा या फिर मैंने मतलब ऐसे ही बनाया उन लोग के लिए मजाक मस्ती में, मतलब उनको बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है कि मेरा एक व्लॉग चैनल है। सो मैं अभी इतने दिनों बाद में टू व्हीलर पर मैं गया और काफ़ी सारे बातें वगैरह करी है, और सुबह सुबह इतनी जल्दी गया मैं 5 बजे, तो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और मतलब 2 साल पहले मैं रोज़ ऐसे कहीं ना कहीं जाता था इन लोग के साथ में जिनके साथ में मैं गया था आज, और इनमें से एक का नाम प्रियांशु है, दूसरे का नाम अतीश है। काफ़ी सालों से साथ में हैं ये लोग, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, भाई है एक तरीके से। स्कूल टाइम में हम लोग 5 मेंबर्स का ग्रुप था, बट अभी हम लोग 3 ही हैं। बाकी काफ़ी मज़ा आया, और अब मुझे निकलना है किसी काम से कॉलेज के। सो ये था आज का व्लॉग गाइस, और आई होप आप लोग के व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर नहीं अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।